हाय गुड इवनिंग, मैं राज बहादुर। आज मैं लेके आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड क्लास। तो देखिए इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। ओके चलिए देखिए, जैसा हमारा क्वेश्चन दिया गया है बोर्ड पे, पहला क्वेश्चन दिया गया प्रिंट, फिर इसको जो है डिकोड कर दिया गया, फिर हमको ड्रिंक को डिकोड करना है कि ड्रिंक का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करेंगे। जैसे यहाँ प्रिंट दिया गया है, ठीक है, तो इन सब नंबर्स जितने दिए गए हैं इन सबकी हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। जैसे तो यहाँ प्रिंट, तो P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है उसको लिख लेंगे, फिर R, फिर I, फिर N, फिर T, इन सबकी हमने प्लेस वैल्यू लिख लिया। इसमें भी वही कर देंगे। अब देखिए प्लेस वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, ठीक है, और हमने पिछली क्लास में बता दिया था, ट्रिक भी बताई है उसमें, आप देख सकते हैं। देखिए अब देखिए इसको हम कैसे क्या करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया P, फिर इसमें इसका दूसरा वाला जो कोडिंग में क्या है P है, फिर इसको जो डिकोड कर दिया गया तो उसमें क्या दिया गया R दिया गया, मतलब P का डिकोड R हुआ है, फिर R को U से। तो देखिए कैसे क्या करेंगे। देखिए P को जब हम R से हमने कर दिया तो यहाँ पे 16 था, तो 16 में 16 के बाद कितना हो गया 18 हो गया, मतलब 16 में कितना ऐड कर दिया गया कि 18 हो गया, मतलब 16 में 2 ऐड हो गया। ओके ऐसे ही आर को हम करवा देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है, ठीक है, फिर आर वाले को। अब देखिए आर में कितना दिया गया 18, यहाँ पे 21, मतलब प्लस का 3 हो गया है। फिर आई यहाँ पे कितना है 9 है, यहाँ पे 13 है, मतलब 9 प्लस 13 होता है 4, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। फिर n देखिए कितना दिया गया 14 है, और आगे वाले में s दिया गया, n को s से डिकोड कर दिया गया, मतलब प्लस का 5 हो गया है। ओके और फिर जो t दिया गया है t को z से डिकोड कर दिया गया, मतलब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 26 है, तो 20 में 6 ऐड कर दिए गए 26, मतलब इसमें एक सीक्वेंस चला है, पहले 2 ऐड हुआ है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है। वैसे ही ये जो ड्रिंक जो दिया गया इसमें हम वैसे ही डिकोड कर देंगे, पहले इन सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। डी दिया गया, इसकी प्लेस वैल्यू, आर की प्लेस वैल्यू, आई की, फिर एन, फिर जे के बाद क्या आता है 11 हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या बताया, इन सब में ऐड कर दिए गए नंबर्स, पहले वाले में 2 ऐड हुए हैं, सेकंड वाला जो डिजिट, सेकंड वाली जो अल्फाबेट है लेटर है उसमें 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे ही ऐड कर दिए गए। यहाँ पर जैसे दिया गया 4, तो 4 में हम 2 जब ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, पहला लेटर 6 प्लस जो प्लेस है, ठीक है, प्लेस वैल्यू जो है वो 6 जो लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू वाला है, यहाँ पे अल्फाबेट हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। 4 में जब 2 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 18 देखे दूसरे वाले में कितना ऐड हुआ 3 ऐड हुआ, तो यहाँ पर भी हम 3 ऐड कर देंगे, 18 में 3 जब ऐड कर देंगे तो 21 हो जाएगा। फिर अब देखिए 4 ऐड हुआ है, 9 में ऐड कर देंगे 4 तो 13 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 4 जब हमने ऐड किया, अब हमको ऐड क्या करना है 5 ऐड करना है, तो यहाँ पे 14 प्लस 5 19 हो जाएगा, और फिर 11 प्लस 6 17 हो जाएगा। ओके अब देखिए हमने ये इन सब की प्लेस वैल्यू लिख दी है, ठीक है, लेटर्स की प्लेस वैल्यू हमने लिख दी है, अब हमको लेटर्स लिखना है कि कौन सा नंबर किस प्लेस वैल्यू पे आता है। F देखिए 6 जो है 6 पे F आता है, ओके 21 पे U आता है, 13 पे M आता है, और 19 जो दिया गया है 19 R के बाद आर जो है 18 पे आता है, 19 मतलब एस हो जाएगा, और 17 जो है क्यू हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें भी हम वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। क्या किया है कि जो हमारे लेटर्स दिए गए इन सबकी हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, जब हम प्लेस वैल्यू लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, देखिए एन 13 पे होता है, ए 1 पे, एन 14, फिर ए
ये दिया गया v, v हमारा 22 पे होता है, ठीक है। वैसे ही ये 14, Z26, O15, Z26 और W23 होता है, ठीक है। अब देखें इसमें क्या किया गया, इसको हम देखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया M, M13 पे है, अब दूसरा डिकोड कर दिया गया तो उसमें क्या आ गया, N आ गया है, ठीक है। तो मतलब 13 में कितना ऐड कर दिया गया, 1 ऐड कर दिया गया है, तो 14 आ गया है। मतलब फर्स्ट लेटर जो दिया गया इसमें 1 ऐड कर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट देखिए ए दिया गया है, ए हमारा 1 पे आ गया है, नेक्स्ट ए को जेड से डिकोड कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ए का अपोजिट भी जेड होता है और ए के पहले वाला भी वर्ड, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो देखिए जेड जैसे है, हमने ए को जेड तक लिख दिया, उसके बाद जब हमको लिखना होता है, जब शुरुआत जब करनी होती है, तो जेड के बाद फिर से ए आ जाता है, ठीक है। फिर से ए को जेड, मतलब जेड के बाद ए आ जाएगा और ए के पहले जेड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 दिया गया है। तो अगर हम 1 से -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 26 हो जाएगा, ओके। वैसे ही एन अगले वाले को यहाँ पे कितना दिया गया, 14, ये ओ 15, फिर से प्लस का 1 ऐड हो गया, फिर से वही हम कर देंगे। फिर से देखिए 1 और 26, जैसे हमने यहाँ पे माइनस का 1 कर दिया था तो इसमें भी हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, ओके। अब देखिए 22 है, फिर 23 है, इसमें भी प्लस का 1, मतलब जो फर्स्ट लेटर है उसमें प्लस का 1 हुआ है, जो सेकंड लेटर है उसमें माइनस का 1 हुआ है, ओके। अब देखिए इसमें भी हम कैसे अरेंज करेंगे उसको हम देख लें। 18, 1, F के बाद G आता है, ये 7 हो जाएगा, H ये 22, ओके। अब देखिए हमने क्या बताया, जो फर्स्ट लेटर जो है उसमें 1 ऐड कर दिया गया, 18 में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा, ओके। अब देखिए जो सेकंड लेटर है उसमें क्या हुआ, माइनस का 1 एक है, एक में जब माइनस का 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट वाले में पहले प्लस हुआ है, फिर माइनस, फिर क्या करना है, प्लस, तो 7 और 7 में 1 जब हम ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ओके। अब देखिए प्लस माइनस फिर प्लस, फिर अब क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 26 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 26 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने 8 वाले को छोड़ दिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर अब प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 में प्लस का 1 ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 कर देंगे 22 में। अब देखिए एक बार फिर से चेक कर लेते, यहाँ पे प्लस 1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके। देखिए अब देखिए प्लेस वैल्यू हमने लिख दी है, लेटर्स की हमने प्लेस वैल्यू लिख दी, अब हम लेटर्स लिख देंगे। आर के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, मतलब 19 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, होता है एस। फिर 26, 26 पे हमारा जेड होता है। 8, 8 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, एच होता है, ठीक। 7 पे जी हो जाएगा, 2 पे हमारा बी होता है, और 21 मतलब यू हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस जेड एच जी बी यू यू। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया गया हमारा डायग्राम को डिकोड कर दिया गया है, फिर पिक्चर को हमको डिकोड करना है कि तो उसमें क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए फिर से हम वही कर लेंगे, प्लेस वैल्यू सबकी लिख लेंगे, अब देखिए ये यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू लिख दिया इस लेटर की, डायग्राम की, आगे वाले की प्लेस वैल्यू भी लिख देंगे, 24, D4, O15, ये 10, ठीक है। अब देखिए कैसे क्या किया गया उसको हम देखेंगे। देखिए जो फर्स्ट लेटर हमारा दिया गया, फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, 4 है, और फिर इसमें क्या दिया गया, 1 दिया गया, ठीक है। तो इसको अब देखिए क्या करेंगे, देखिए 4 है, 4 में कितने घटा दिए गए, यहाँ पे तो माइनस का 3 दिख रहा है, ठीक है, मतलब पहले वाले लेटर में माइनस का 3 हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में फिर से कर देंगे वही जो दिया गया, 9 है, यहाँ पे 6 है, फिर से वही हमारा माइनस का 3 हो गया है, ठीक है। फिर से वही चेक कर लेंगे, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 24। अब देखिए अगर हमको समझ में नहीं आ रहा 1 और 24 इसका कॉम्बिनेशन, हमको नहीं समझ में आ रहा है माइनस का 3 हुआ, अब देखिए जो प्लस होता है प्लस का अपोजिट माइनस होता है, माइनस का अपोजिट प्लस होता है। अब देखिए चाहे इससे हमको करवा ले कॉम्बिनेशन,
जो हमारा डिकोड हुआ है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे फोर है, वन में थ्री ऐड कर दिया गया तो फोर आ गया, वैसे ही यहाँ पे 24 दिया गया, 24 में अगर हम थ्री ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 27 को जब हम ब्रेक कर देंगे तो 26 प्लस का वन ये हो जाएगा 27, मतलब 26 प्लस वन। अब देखिए वन प्लेस वैल्यू किस लेटर की होती है, वन प्लेस वैल्यू ए लेटर की होती है, तो मतलब यहाँ पे ए आ गया, तो यहाँ पर भी वही माइनस का थ्री हुआ है। फिर नेक्स्ट वाले को हम देखेंगे, यहाँ पे 7 दिया गया है, यहाँ पे 4, तो वही 4 से फिर से 7, 3 घटा दिए गए तो 7 हो गया, फिर वही फिर से कर देंगे 18 यहाँ पे है, 18 में कितना घटा दिया गया कि 15 हो गया, 18 में भी वही 3 15 और 3 18 होता है, ठीक है, फिर से वही a और x 24 और 3 27, दस और तीन 13 हो जाएगा। ओके, मतलब जो हमारे लेटर्स जो दिए गए इन सब में माइनस का 3 हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है, 3 माइनस किया गया। फिर से हम इन सब की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, 16, 9, 3, 20, 21, 18 और 5। ओके, अब देखिए इन सब में फिर से वही माइनस का 3 हो रहा है, 3 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 16 में जब 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, 9 है, 9 में जब 3 सबट्रैक्ट कर देंगे तो 6 बचेगा, ओके, ये 13 है, 6 हो जाएगा। अब देखिए C कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, 3 से जब हम 3 सबट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब Z हो जाएगा, तो यहाँ पे Z की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे भी 17 हो जाएगा, ये 18, ये 15 और 5 से जब 3 घटा देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। इन सब लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख देंगे, जब प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, M, देखिए जो 13 है, 13 किस लेटर की प्लेस वैल्यू है, 13 M की प्लेस वैल्यू है, तो यहाँ पे M हो जाएगा, 6 F होता है, 26 Z। अब देखिए यहाँ पे हमने 1 लिखा है, यहाँ पे ये 17 लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये 17 लिखे हैं, और 17 होती है क्यूब की प्लेस वैल्यू, ये 18 R हो गया, 15 मतलब वो हो गया, और 2 ये B हो जाएगा, तो जो पिक्चर है, पिक्चर की डिकोडिंग क्या हो जाएगी, M F Z Q R O B हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए समझ में आ गया होगा, देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे हैं। ओके, देखिए कैसे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट दिया गया है जीसस, उसको डिकोड कर दिया गया है, फिर हमको जैक को ढूंढना है कि जैक का डिकोडिंग क्या हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए कैसे क्या करेंगे, फिर से भाई हम बता रहे हैं प्लेस वैल्यू लिख देंगे तो आसान बनेगा हमारा क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे जे हमारा 10 पे आता है, E5, S19, U21 और S ये वाला 19, इसमें भी भाई 5, 26, 14, 16 और ये 14 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे कैसे क्या किया गया है इसमें, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया ये जे, ये इसको हम करवा देंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया जे हमारा 10 पे आता है और ई हमारा 5 पे आ गया, तो अब देखिए इसका तो चलो समझ में आ रहा है कि फर्स्ट लेटर में क्या हुआ, माइनस का 5 हो गया, ठीक है, माइनस 5 हुआ है, ठीक है। अब देखिए फिर से इसमें अगले वाले में देखेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 26। अब देखिए हमने अभी बताया है कि जब हम 5 में 5 सबट्रैक्ट कर देंगे, अगर हम 5 में 5 सबट्रैक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, 0 बचेगा, और 0 हमारी z की प्लेस वैल्यू होती है, या फिर ऐसे हम कह दें जब 26 में हम 5 ऐड कर देंगे तो 5 ही बचेगा हमारा, क्योंकि 26 को हम या तो 0 बोलते हैं या फिर 26 ही बोले, ठीक है, वही हमारा रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस का 5 हुआ है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे s को n से कर दिया गया डिकोड, मतलब 19 में भी 5 हमारे घट गए, 14 बचे हैं, फिर से वही 21 और 16, इसमें भी वही 16 और 5 21 होता है, माइनस का 5 हुआ है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे 19 और 14, फिर से वही 14 और 5 19, मतलब जो हमारे लेटर्स ये दिए गए हैं इन सब में क्या हुआ, माइनस का 5 हो रहा है, ठीक है। वैसे ही अगले वाले में
होगा, ठीक है, जैसे जैक दिया गया, इन सब की प्लेस वैल्यू लिखते हैं, जे के बाद के आता है ये वैल्यू। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया 10, 10 में जब हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 5। देखिए जब हम 10 में 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ पे देखिए अब अगले वाले में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया 1, 1 में जब हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा। देखिए जैसे हमारा 26 होते हैं लेटर्स हमारे, ठीक है, और अगर हम इन सबको काउंट कर ले मतलब 22 जो होता है या फिर 1 जैसे, तो 1 में जब हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 22 बचेगा। अब देखिए अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करें तो हम लेटर्स तो नहीं लिख सकते हैं, लेटर्स अगर टाइम हमारे पास हो तो लेटर्स लिख के प्लेस वैल्यू लिख लें, या फिर ऐसा हम कर देंगे कि अगर हम 22 में 5 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है, और 27 का मतलब 26 और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। सेम है यहाँ पे दिया गया है कितना C मतलब 3 दिया गया, 3 में जब हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 24 हो जाएगा, फिर से वही 24 और 3 27 हो जाएगा, और 27 का मतलब नहीं 24 और 5 कितना हो जाएगा 24 5 29 हो जाएगा, और 29 मतलब 26 प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 मतलब 3 हमारी C की प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट जे K दिया गया, K में जब हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 बचेगा, और अब देखिए क्या कर देंगे इन सब की हम जो लेटर्स हमारे लिखे हैं प्लेस वैल्यू, इन सब की जो हमने प्लेस वैल्यू लिखी है इन सब के हम लेटर्स लिख देंगे, तो F E जो 5 जो है E पे आता है, E मतलब 5 होता है, फिर 22 V हो जाएगा, 24 X हो जाएगा, और 6 F हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा E V X और F हो जाएगा। ओके ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जैसे दिया गया ग्रेड, ठीक है, तो ग्रेड की हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, जी हमारा एफ के बाद जी 7 18 5 1 और ये 20 10 15 5 10 जे के बाद के हो जाएगा। अब देखिए इन सब में क्या हुआ है, इनको सब कौन देखेंगे कैसे डिकोड कर देंगे। देखिए यहाँ पे किया कितना दिया गया 7 और यहाँ पे 10, तो पहले वाले को अगर हम करके देखें 7 में प्लस 3 ऐड हो रहा है पता चल रहा है, ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है 18 दिया गया यहाँ पे 15, 18 में 15 अगर हम घटा दें तो कितना हो रहा है माइनस का 3 हो रहा है, ठीक है, मतलब जो हमारा फर्स्ट लेटर है उसमें प्लस कर दिया गया है, सेकंड लेटर में माइनस कर दिया गया है, ओके, फिर जो थर्ड लेटर जो है यहाँ पे कितना दिया गया 5, मतलब यहाँ पर भी 5 है यहाँ पर भी 5 है, कोई भी ना ऐड हुआ है ना सब्ट्रैक्ट हुआ है तो उसकी जगह पर हम 0 लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया, 0 या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए 1 वाले में हम देखेंगे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो 1 में अगर हम 10 ऐड कर देंगे तो 9 हमको ऐड करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा ऐड होगा ये, और फिर जो नेक्स्ट वाला जो लेटर दिया गया है यहाँ पे दिया गया 20 और यहाँ पे 11 दिया गया, मतलब 11 में जब हम 9 घटा देंगे या 11 में जब हम 9 ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में जब 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11 हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, जो फर्स्ट लेटर है उसमें प्लस का 3 ऐड हुआ, सेकंड लेटर में माइनस, फिर जो हमारा थर्ड लेटर जो दिया गया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो मतलब 0 ऐड हुआ है, फिर नेक्स्ट वाले में प्लस का 9, फिर उसके नेक्स्ट वाले में माइनस का 9 हुआ है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी हम प्लेस वैल्यू इन सब की लिखते हैं 26 5 ये 2 18 और 1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है उन सब में क्या हुआ प्लस का 3 ऐड हुआ है, फर्स्ट वाले में प्लस का 3, जब 26 में हम 3 ऐड कर देंगे तो यहाँ से 3 ही हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमने अभी बताया ये, फिर नेक्स्ट वाले में माइनस का 3 हुआ है तो 5 में जब 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर नेक्स्ट वाले में दिया गया 0 मतलब 2 का 2 ही लिख देंगे, ठीक है, जो हमारी प्लेस वैल्यू हो वही हम लिख देंगे। नेक्स्ट वाले में कितना ऐड हुआ 9, तो 18 में जब 9 ऐड कर देंगे तो 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा 27, देखिए यहाँ पे 18 प्लस 9 27 हो जाएगा, और 27 को जब हम ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा 26 प्लस का 1 मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे,
फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है वन, वन में वन का मतलब देखिए वन को हम ऐसे लिख देंगे, वन को या तो हम 27 लिख दें या फिर हम वन को वन ही लिख दें। जब 27 लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट करने में हमको आसानी हो जाएगी। अगर यहाँ पे हमको ऐड करना होता तो हम वन का वन ही लिखते हैं, ठीक है। तो जब 27 में 9 जब हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, तो यहाँ पे हम 18 लिख देंगे। ओके, तो देखिए अब हमने इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख दी है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, लेटर्स लिख देंगे। सी जो 3 जो दिया गया, 3 हमारा सी की प्लेस वैल्यू होती है, तो बी की फिर से बी, फिर 1 हमारा ए हो जाएगा और 18 आर की प्लेस वैल्यू हो जाएगी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी बी बी ए आर। ओके ठीक है, चलिए देखते। देखिए जो लेटर जो हमारा ये अकाउंट दिया गया है इन सबकी हम प्लेस वैल्यू लिख देंगे। देखिए जैसे हमारा ए 1 पे आता है, ऊपर वाले के हमने प्लेस वैल्यू लिख दी, अब हमने अब हमको नीचे वाले की प्लेस वैल्यू लिख देंगे। 16 16 1 2 हो जाएगा, एच 8 पे आता है, ये 7। अब देखिए पहले वाले को अब हम कॉम्बिनेशन बना देंगे, इसमें देखिए देखेंगे क्या होगा। जैसे देखिए दिया गया है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 14 दिया गया, तो देखिए अगर हम 1 में 13 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में फिर से हम ट्राई करेंगे, 3 है, 3 में अगर हम 13 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट वाले में जैसे यह 3 दिया गया, 3 में फिर से वही 13, तो 16 हो गया। अब देखिए 15 दिया गया, तो 15 में कितना ऐड कर दें कि 13 हो जाए, तो 15 में अगर हम 13 ऐड कर दें तो 28 हो जाएगा, 28 को ब्रेक कर देंगे तो 26+2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, 2 आ रहा है। या फिर ऐसे हम कर देंगे जो 2 दिया गया, 2 में 13 ऐड कर दें तो ऊपर वाला हमारा पता हो जाए, तो 2 में अगर हम 13 ऐड कर देंगे 15 हो जाएगा। अब देखिए सेम है जिसमें भी वही 13 ऐड करना है, तो अभी हमने इस वाले में बताया नीचे वाले में जो हमारा 2 दिया गया 2 में 13 ऐड कर दें तो 15 हो रहा है। सेम है जो 8 दिया गया, 8 में हमको कितना ऐड कर दें कि 21 हो जाए, तो 8 में भी हमारा 13 ही ऐड हुआ है, तो 21 हो जाएगा, 13+8=21 होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो दिया गया 1 है, 1 में कितना ऐड कर दें कि 14 हो जाए, 1 में 13 ऐड कर देंगे 14 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में वही 7 दिया गया, 7+21 फिर से वही। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, क्या कौन सा सीक्वेंस होगा, इन सब में 13 प्लस हो रहा है, मतलब जितने हमारे लेटर्स जो दिए गए हैं जिनको डिकोड कर दिया गया है अकाउंट को, जो हमने डिकोड किया है तो उसमें प्लस का 13 ऐड हुआ है हर एक लेटर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी हम इन सबकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे, 15 14, एल हमारा 12 पे होता है, 9 14 और ये 5। देखिए इन सब में हमको 13 ऐड करना है, देखिए इन सब में हमको क्या ऐड करना है 13। देखिए जैसे 15 दिया गया, 15 में हम 13 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 28 को जब हम ब्रेक कर देंगे तो 26 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 मतलब 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, पहले हम प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे देखिए 14 दिया गया, 14 में जब 13 ऐड कर देंगे तो 27 हो जाएगा, 27 मतलब 26 प्लस का 1 मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 दिया गया है, 12 में 13 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 25 तो हमारी 25 की प्लेस वैल्यू तो हमारा होता ही बेटर, ठीक है। 9 है, 9 में 13 ऐड कर दें तो 13 और 9 22 होता है, ये 22 लिख दिया, 13 ये 27 हो जाएगा, 27 को फिर से वही ब्रेक कर दें, 26 प्लस का 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा, 13 और 5 18 होते हैं, 18 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए जो लेटर्स हैं इन सबकी हमने प्लेस वैल्यू यहाँ पे ये जो हमने लिखा है 2 1 25 22, ये सब हमारी प्लेस वैल्यू लिखी गई है। अब देखिए प्लेस वैल्यू जो हमने लिख दी है तो अब हम इन सबके लेटर्स लिख देंगे। 2 है, 2 पे हमारी कौन सा लेटर आता है, 2 पे हमारा बी आता है, 1 ए हो गया, 25 वाई हो गया, 22 पे बी होता है, 1 पे ए और 18 पे आर हो जाएगा, तो हमारी डिकोडिंग क्या हो जाएगी, ऑनलाइन की, ऑनलाइन की डिकोडिंग हो जाएगी BAYBAR। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए। ओके थैंक यू।